दोस्तों, ये वीडियो कनाडा की एक मस्जिद का है जहां मुसलमान अपनी नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन तभी एक गैर मुस्लिम ने मस्जिद में घुसकर मुसलमानों के साथ जो किया वो आपको हैरत में डाल देगा। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग इमाम साहब के पीछे नमाज अदा कर रहे थे कि तभी अचानक एक शख्स मस्जिद के दरवाजे से अंदर आता है जिसके हाथ में एक जहरीला स्प्रे था। वो पीछे की सफ में नमाज अदा कर रहे मुसलमानों के ऊपर जैसे ही डालता है तो आगे जो वीडियो में उसका हाल हुआ वो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। दोस्तों, ये मुल्हिद उस वक्त मस्जिद में घुसा जब लोग इमाम साहब के पीछे नमाज में खड़े थे, कुरान की खूबसूरत तिलावत जारी थी, लेकिन तभी मस्जिद में लगे कैमरे में जो मंजर रिकॉर्ड हुआ उसने दिमाग को चकरा कर रख दिया। ये मुल्हिद सीधा मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल होता है और दो कदम आगे बढ़ाते ही दूर से एक स्प्रे नमाज में खड़े मुसलमानों पर डालना शुरू कर देता है। स्प्रे से हरे रंग की गैस बाहर निकल रही थी, मानो जैसे कोई जहरीली चीज़ हो। ये पूरा स्प्रे का केमिकल मुसलमानों पर डाल देता है, लेकिन कुर्बान जाइए कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं तोड़ी। लेकिन जैसे ही ये मुल्हिद दूसरा स्प्रे डालने को होता है तो आगे सफ में लगे कुछ नमाजी इसे ये करता हुआ देख लेते हैं। एक मुसलमान फौरन इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस पर भी स्प्रे से हमला कर देता है। इतने में एक नौजवान आगे बढ़कर उसको दबोच कर गिरा देता है और खूब ज़ोरदार तरीके से पहले तो उसकी पिटाई होती है और फिर उसको घसीट कर मस्जिद से बाहर ले जाते हैं। ये शख्स दोस्तों एक एक्स मुस्लिम मुल्हिद था जिसको कनाडा अदालत ने इस जुर्म के लिए 8 साल की सज़ा सुनाई है। बाकी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।